हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इससे पहले हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड दो वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कि हमने इक्वेशन के बारे में सीखा था और इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में सीखा था। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ओके, और एक एक करके हम सारा डिटेल से और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में आखिर होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारे एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नए तरह के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। जैसे पानी का ले लें तो उसमें हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है, ये मिल करके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि रिएक्शन में कभी भी एटम्स जो हैं वो चेंज नहीं होते, एटम्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, ना ही कहीं पर भी रिएक्शन हो जाने के बाद। जैसे कि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट होने के बाद एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, और प्रोडक्ट में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, और रिएक्टेंट्स भी कौन कौन थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट्स में जो जो एटम्स रहते हैं, प्रोडक्ट में भी वही वही एटम्स मौजूद रहते हैं, ना कोई एटम बाहर से इन्वॉल्व हो जाता है या फिर बन जाता है, ना ही इनमें से कोई भी एटम प्रोडक्ट से अलग होता है या निकल जाता है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ये बनता कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ये जो बना हुआ पानी है वो क्या है, लिक्विड है। यहाँ पर ये फॉर्म होने का रीज़न है केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स जो एक एटम दूसरे एटम के साथ बनाता है, एक दूसरे को होल्ड करके रखने के लिए, एक दूसरे को पकड़ के रखने के लिए। तो जहाँ तक बात रही केमिकल बॉन्ड्स की, तो ये हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और होप ये जो मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं तो वो कहीं से भी चेंज नहीं होते हैं, ना ही कोई एटम उस रिएक्शन में कहीं बाहर से इन्वॉल्व होता है, ना ही कोई एटम उस रिएक्शन से कहीं बाहर निकल जाता है। हम जो जो रिएक्टेंट लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, हमें प्रोडक्ट में भी वही सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। मेनली केमिकल रिएक्शन जो है वो पांच टाइप के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो मेनली पांच टाइप के आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हम इन पांचों को डिटेल से एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपके लिए डिस्कस करूंगा, और वो भी बहुत ही डिटेल में और अच्छे से। ओके, तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल से हम ये जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा कैसे। ठीक है, कि कोई रिएक्शन में कंपाउंड्स जो हैं वो या फिर एटम्स जो हैं वो कैसे कंबाइंड हो जाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमने एक कंपाउंड जो कि क्विक लाइम है, या फिर इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं इसका नाम। आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप किसी भी केमिकल नेम और साथ साथ उसका कॉमन नेम, ये दोनों याद रख पाएँ, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में आपको हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड दे दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इसका कॉमन नेम दे दिया जाए, तब आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है केमिकल नेम भी और कॉमन नेम भी। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। तो जब क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और साथ साथ लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, और रिएक्ट करके हमें क्या देता है, हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये है। ठीक है, जिसका कॉमन नेम है स्लेक लाइम। ओके, अच्छा, और इसके साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट। हमारा कोई कंपाउंड नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एटम नहीं है,
तो इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अभी इस रिएक्शन में, सिर्फ इस रिएक्शन को समझने के लिए। तो हमने क्या किया, दो रिएक्टेंट लिए और दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट होकर के एक प्रोडक्ट देता है, ठीक है। दो रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, ये दोनों रिएक्ट होकर के हमें क्या दे रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें मेनली क्या हो रहा है, दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हमें मिले और चाहे रिएक्टेंट्स जितने भी हों, दो हो, दो से ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर के हमें एक प्रोडक्ट देंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके साथ हीट आ रहा है, हीट जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारा कोई कंपाउंड या एलिमेंट नहीं है, ओके। तो होप आपको समझ आया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कि कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड हमें देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्विक लाइम है, पानी के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, इसको लेकर के एक छोटा सा चीज़ मैं बता दूँ। जो ये आप देख रहे हैं CaOH whole twice, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, CaOH whole twice, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी चलिए देखें CaOH whole twice, ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, ये जनरली लोग दीवारों पे लगाते हैं चूना, जिसको मतलब वो जो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो था, ये क्या था, ये चूना ही है, जो चूना लगाते हैं दीवारों पे, जो चूना लगाते हैं वो, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया, पानी के साथ रिएक्ट करके बना दिया ये प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो हमें ये मिलता है, और इसी का इस्तेमाल क्या किया जाता है, वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, वाइट वॉशिंग में हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आजकल तो पुट्टी भी इस्तेमाल करते हैं, बट जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब वाइट वॉशिंग करने के बाद दो तीन दिन के बाद दीवालों पे गजब की चमक आती है, एकदम पूरा सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है। अब वो सफ़ेद सफ़ेद जो नज़र आता है ये किसके वजह से, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एनवायरनमेंट में मौजूद CO2, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, और इसके साथ H2O रिलीज होता है, ओके। तो ये जो CaCO3 है यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है, यही रिएक्ट होकर के दीवार पे चिपका रहता है और यही शाइन करता है, ठीक है, जो शाइन करता है दीवारों पे, वाइट कलर की शाइन आती है वो इसकी वजह से आती है। और एक बहुत ही अनोखा सा बात ये है कि जो मार्बल है, ठीक है, जो मार्बल आप लोगों ने देखा होगा, इवन हो सकता है बहुतों के घर में भी लगा हुआ हो, उसका भी केमिकल फॉर्मूला यही होता है CaCO3। अगर जनरली आपको बोल दे कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोल सकते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। मुझे बस इतना ही बताना था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसा कि आपने देखा कि दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये कार्बन, सॉलिड कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट होकर के एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन क्या है, कोल, जब कोल जलाया जाता है तो हवा में धुआं निकलता है ना, धुएं में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो वही है यहाँ पर कि कोल को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के ये प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे ही
जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के रिएक्ट करते हैं, तो कंबाइन होकर के हमें क्या देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, H2O देते हैं। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो हमने पहला वाला इक्वेशन पढ़ा था, पहला वाला इक्वेशन यानी कि जो CaO प्लस H2O, और इसमें क्या हमने देखा, CaOH होल ट्वाइस, और इसके साथ हमने देखा कि यहाँ पर हीट रिलीज़ हो रहा है। अब अगर आपको इस इक्वेशन पे, या फिर मान लीजिए मेरे पढ़ाए पर विश्वास नहीं है, ऑब्वियसली आप चाहें तो आप एक डेमोन्स्ट्रेशन करके देख सकते हैं घर में अपने। हाँ, ऑब्वियसली चूना तो कहीं ना कहीं बगल वाली दुकान से ही मिल जाएगा कहीं पर भी, तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा चूना लेकर के उसको एक छोटे से बकेट में चूना डाल दीजिए, और धीरे 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 पानी उसमें डालते जाइए, और हाथ से इस बर्तन को टच करके जब आप रखेंगे तो आप फील करेंगे कि धीरे धीरे बर्तन जो है वो गर्म होता जा रहा है, धीरे धीरे बर्तन गर्म होता जा रहा है। तो वही जो गर्मी है वो किसके वजह से रिलीज़ हो रही है, क्योंकि जो चूना है पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना रहा है, साथ साथ हीट भी रिलीज़ हो रहा है। अगर आप चाहें तो अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बारी आती है कि हीट रिलीज़ होता है, किसी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज़ होता है तो किसी किसी रिएक्शन में हमें ठंड महसूस होती है। ठीक है, मतलब गर्मी फील नहीं होती, वहाँ से वो जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, मेनली रिएक्शन में दो तरह के कंडीशन आते हैं हीट को लेकर के, या तो वो हीट रिलीज़ करेगा या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो जो रिएक्शन, जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो, जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज़ होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ, तो उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होता है, हमें गर्मी महसूस होती है उस रिएक्शन से, रिएक्शन पे अगर हम फील करें तो हमें जब गर्मी महसूस होगी, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर जैसे कि जब नेचुरल गैस यानी कि जब मीथेन जलाया जाता है, जैसे आप गैस जलाते हैं, हाँ, जो घर में खाना बनता है उसमें भी, वो भी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गर्मी देता है, हीट रिलीज़ करता है, जिसके वजह से आग के आसपास हमें गर्मी की अनुभूति होती है, गर्मी हम फील करते हैं, है ना। अच्छा, कभी आपने ये महसूस किया कि जब हम सांस छोड़ते हैं, जब सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है, जब हम अगर ठंडे जगह पे हैं तो जब सांस लेते हैं तो ठंडी हवा अंदर जाती है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं उसी जगह पे, तो आप देखेंगे कि आसपास आपके मुंह से धुआं निकलता हुआ, या फिर कभी सांस को, अपनी सांसों को महसूस करके देखिएगा, तो आपको फील होगा कि सांसें जो हैं वो गर्म हैं। जबकि अगर आप आइसक्रीम भी खाते हो तब भी जब आप सांस छोड़ेंगे नाक से, मुँह से नहीं, नाक से, तो वो क्या होगा, गर्म आपको महसूस होगा। अब हमारे पेट में जो खाना पचता है वहाँ पर भी जो रिएक्शन होते हैं वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी से लगातार हीट रिलीज़ होता रहता है, और यही हीट, और साथ साथ हम ऑब्वियसली काम करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी बॉडी रिएक्शन लगातार करता है, और वो रिएक्शन किस तरह का होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, तो मैंने बताया केमिकल रिएक्शन 5 तरह के होते हैं, और 5 में से हमने एक इस वीडियो में देखा, और बाकी के 4 जो है वो एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ आया होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये समझ में आया होगा, कुछ कंपाउंड्स के नाम आपको पता चला होगा। ठीक है, ये CH4 ये मीथेन है,
और बाकी तो आप जानती हैं, सब कॉमन है, ठीक है। तो बस इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।